नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मेरा वीडियो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है वीडियो मेरा, कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है। और कल का, इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने घोष अघोष पढ़ाया था। घोष अघोष बताया था कि वर्णमाला के अंतर्गत कौन सा वर्ण घोष है और कौन सा अघोष है, यानी किसके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जो है हमारी ये झंकृत होती हैं और किनके उच्चारण में नहीं झंकृत होती हैं। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सांस ज़्यादा निकलती है, यानी कि जो वायु हमारी होती है, सांस हमारी होती है, इसे प्राण भी कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राण वायु है, सांस है हमारी, वायु है, ये ज़्यादा निकलती है, वो महाप्राण होते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी वायु है ये कम निकलती है, वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम इनमें से वर्णों से देख लेते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो अल्प प्राण हैं और कौन से ऐसे हैं जो वर्ण हैं जो महाप्राण हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, मुंह से बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, ये चूंकि स्वर हैं सबको पता है, ये स्वर हैं सबको पता है, और ये सभी के सभी व्यंजन हैं। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, कोई भी हो, ठीक है, इसको छोड़कर किसी भी वर्ण का, स्वर का आप उच्चारण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर आएगी। क्यों? आ आ, आ पूरा मुंह खुल जाता है, पूरा कंठ खुल जाता है और पूरी की पूरी सांस बाहर आ जाती है स्वरों के उच्चारण में। और चूंकि आपको मैंने बताया था कि स्वर जो हैं ये कंठ से ही उच्चारित होते हैं, मुंह से इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो स्वर हैं ये कंठ ध्वनि हैं, और जब ये कंठ ध्वनि है यानी कंठ से उच्चारित हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि हमारी सांस बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, क्योंकि जब कंठ अवरुद्ध होगा तो सांस कम बाहर आएगी, लेकिन जब कंठ अवरुद्ध नहीं होगा, खुलेगा, तो सारी की सारी सांस बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। आ आ है ना, सारी की सारी सांस बाहर आ रही है। ई ई मैंने कि हमें एक खींच के आ आ आ ई ई करते हैं तो सांस जो है वो बाहर आती है, तो ढेर सारी आती है, कम नहीं आती, यानी कि ये जो है डबल डबल सांस बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्वर क्या हैं? महाप्राण हैं, सब महाप्राण हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्या हैं? महाप्राण है, लेकिन ये भी महाप्राण है, जो अयोगवाह हैं दो, हमारे दो जो अयोगवाह हैं ये दोनों, ठीक है। तो इनमें ये जो अह है, ये जब है का उच्चारण अह है ना, ऑटोमेटिकली ढेर सारा निकलता है, सबसे ज़्यादा इसी में निकलता है ना, तो ये तो महाप्राण है। लेकिन अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो कहते हैं अंग, तो अंग कहते हैं तो जहाँ का तहाँ ही रह जाता है, एक भी सांस बाहर नहीं निकलती, क्योंकि इसका उच्चारण जो है नाक से होता है। तो हम जब कहते हैं कि अंग, तो सांस बाहर निकलती ही नहीं है, जरा मरा सा थोड़ी बहुत निकलती है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ये क्या है? अल्प प्राण होता है, ठीक है। अब ये तो थे स्वर, स्वर समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए हम व्यंजन में आते हैं। व्यंजन में ये सब मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें ये देखना है, पहले सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन का देखेंगे। ये पांचों के पांचों क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन में देखेंगे कि कौन सा वर्ण जो है महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है। तो देखिए, उच्चारण करते हैं हम, सबसे पहले बोलिए क। तो जब हम का बोलते हैं तो गला बंद हो जाता है, ठीक है ना, और मुंह से ही क का उच्चारण होता है, अर्थात वायु बहुत कम निकलती है। तो क क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया,
कह क्या है, अल्प प्राण, ठीक है ना। अब इसका उच्चारण करते हैं, ख ख जब हम बोलते हैं तो पूरी की पूरी सांस बाहर आ जाती है, ठीक है। यानी कि ख जब हम बोलते हैं ना तो जितनी सांस अंदर होती है सारी निकल आती है, यानी दोबारा अगर ख फिर कहना हो तो शायद सांस लेना पड़े, ऐसे हो जाता है ना। तो ख क्या हो गया, इसमें ढेर सारी सांस निकलती है, तो ख जो है वो महाप्राण हो गया। ख क्या है, महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। अभी मैं इन्हों और अलग से बताऊंगी, अभी तो मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। अब इसका उच्चारण करते हैं ग, ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो है घोष में क्या था, घोष अघोष में कि ये घोष था, स्वर तंत्रियाँ झंकृत हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर प्राण की बात करें, वायु की बात करें, तो वायु जो है निकलती ही नहीं है। यानी कि ग हमने बोल लिया, थोड़ी सी निकली और निकली ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग जो है ये अल्प प्राण है, अल्प हो गया, है ना। अब घय का उच्चारण करते हैं, घय का जब हम उच्चारण करते हैं तो कहते हैं घय, यानी कि घय बोलते ही सारी वायु बाहर निकल के आ जाती है, तो घय क्या हो गया, महाप्राण हो गया, ठीक है ना, ये महाप्राण हो गया। अब इसकी बारी है, इसको इसी की तरह उच्चारित करते हैं, इसकी तरह इसको कहते हैं ng, यानी आ और ng, ठीक है, अंग हो गया, है ना, तो ng कहते हैं इसको। तो देखिए जब हम इसको ng कहते हैं तो खींच के बोलते हैं, खींच के बोलते हैं तो सांस बाहर निकलती ही नहीं है, ठीक है, ना मुँह से ना नाक से, थोड़ी सी निकलती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये ng है ये भी अल्प प्राण है, ये भी क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। अब एक ट्रिक है इसका, ट्रिक क्या है कि स्पर्श व्यंजन के, ठीक है, हमने क्या देखा, पहले ये देखो, हमने देखा कि पहला तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है, ठीक है, इनमें सांस कम निकलती है। दूसरा और चौथा यानी ख और घ, इन दोनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ढेर सारी सांस बाहर आ जाती है, है ना, वायु बाहर आ जाती है मुंह से, तो ये दोनों महाप्राण हो गए, ठीक है। इसी तरीके से इनका उच्चारण करेंगे तो इसमें कम निकलेगा, इनका करेंगे ज़्यादा निकलेगा, इनका करेंगे कम निकलेगा, इनका करेंगे वायु ज़्यादा निकलेगी, इसमें भी इसमें थोड़ी सी निकलेगी। तो अब जो है ये सारे के सारे जितने पाँच वर्ग हैं, पाँचों वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन के, इनमें जो पहला तीसरा और पांचवा, कौन कौन, पहला पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है, क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण माने कम वायु बाहर निकलती है, ठीक है, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। इनके दूसरे चौथे के उच्चारण में हमारी जो वायु है वो ज़्यादा निकलती है, ठीक है, तो इसलिए ये महाप्राण हो गए। अब पहले तीसरे और पांचवें जो हैं ये क्या हैं, अल्प प्राण हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा मिटा दूँ, इन्हें मिटा देती हूँ मैं, ठीक है, स्पष्ट लिख दूँ क्योंकि फिर यहाँ आपको दिक्कत हो रही होगी। ये बार बार मैं आपको स्पर्श व्यंजन और ये दिखाती रहती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको समझ में आवे कि मैं क्या बता रही हूँ। बार बार मुझे स्पर्श व्यंजन अलग करना पड़ता है और सारे करके फिर बताने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ग का ये पहला अक्षर है, ये अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, दूसरा क्या है, महाप्राण है, तीसरा अल्प प्राण है, चौथा क्या है, महाप्राण है, और पांचवा क्या है, अल्प प्राण है, बराबर।
पहला पहला तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हैं, ये अल्प प्राण हैं, ठीक है। और दूसरा चौथा महाप्राण है, ठीक है। अब पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, कम सांस बाहर निकलती है, दूसरे चौथे में ज़्यादा सांस बाहर निकलती है, डबल निकलती है, तो वो महाप्राण हो गए। ऐसे ही ये सबका सब, ये पहले पहले अल्प प्राण, तीसरा अल्प प्राण, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, ये था स्पर्श व्यंजन का। अब आइए इसको देख लेते हैं, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, करके देखिए, या र ल व स, सॉरी या र, पांच बोल दिया मैंने, या र ल व, चार ही होते हैं, ठीक है। तो इन चारों का मैंने तो सांस ही नहीं लिया, एक बार में ही भूल गया, ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं निकल रही हो, यानी कि इनमें जो है इनके उच्चारण में थोड़ी सी सांस जो हमारी वायु है वो बाहर निकलती है, ज़्यादा नहीं निकलती। तो अंतस्थ जो अंतस्थ व्यंजन है ये क्या है, अल्प प्राण है, ये क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। अब इनका उच्चारण कीजिए, इनका उच्चारण करते हैं तो कहते हैं श, यानी कि सारा ही निकल के आ जाता बाहर, श श स ह, है ना, ये चारों के चारों जो हैं ये ढेर ढेर सारी सांस लेके बाहर आते हैं, ढेर सारी सांस के साथ बाहर आते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अब इनकी बात करें तो ये मिक्सर मिक्स होते हैं, यानी कि इन्हीं व्यंजनों से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे जब, तब समझ में आएगा कि कौन सा वर्ण जो इसमें ये संयुक्त है, चूंकि मिला हुआ, ठीक है। तो इसमें कोई कोई अल्पप्राण हो सकता है, कोई महाप्राण हो सकता है, मैं एक का करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं बात करूँ क्षय की, तो जब क्षय की बात करते हैं, ये क्षय है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें पहले क निकलता है, फिर इसमें षटकोण वाला स निकलता है, फिर इसमें अ आता है, तब जा करके ये क्षय बनता है, ठीक है ना। अब देखिए ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये भी महाप्राण है ना। तो इसमें पहला तो अल्प प्राण है, दूसरा और तीसरा जो है वो महाप्राण है। तो इनमें जब तोड़ मरोड़ इनको वर्ण विच्छेद करेंगे, इनका अलग अलग करेंगे, तब समझ में आएगा कि ये क्या कहे जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन्हें तो इनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इनको जब हम वर्ण विश्लेषित करते हैं तब पता चलता है कि कौन सा वर्ण क्या है, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें, मान लिया कहीं प्रश्न में पूछ लेता है, तो जो ये होता है ना, ये महाप्राण होता है, क्षय, ठीक है, क्षय यानी ढेर सारी सांस लेकर के बाहर आता है ये वाला, तो ये महाप्राण है। अब इसकी बात करते हैं त्र, एक भी सांस नहीं बाहर आती है ना, एक भी सांस नहीं निकलती है ना, तो ये जो है अल्प प्राण हो गया, ये क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया, ये महाप्राण हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ज्ञ, इसमें भी कुछ नहीं निकला है ना, तो ये भी अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण हो गया। अब इसको बोलते हैं स्र, इसमें निकल जाता, ढेर सारी सांस बाहर आती है, ठीक है ना। जब हम स्र का उच्चारण करते हैं, चूंकि ये किससे किससे बना हुआ जानते हैं, सारा ही लिख के बता दूं क्या, बताया हुआ है वैसे मैंने, फिर भी मैं बता देती हूँ। त्रा हम जब लिखते हैं तो आधा तय, आधा तय, आधा रे और प्लस में अ होता है, ठीक है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं त्र, सांस ज़्यादा नहीं निकलती, थोड़ी सी निकलती है, तो ये अल्प प्राण है। अब आया, अब ज्ञा है, ज्ञा है, ठीक है।
तो ज्ञा किससे किससे बनता है? आधा जय छ छ जय जय वाला, ठीक है, आधा जय और छ वर्ग का पांचवा यहाँ यहाँ प्लस आधा ही होता है ये भी आ। तो ये इसका भी हम चाहे ज्ञा कह लो या ज्ञा कह लो, सांस कम ही निकलती, बहुत थोड़ी सी निकलती है, तो ये भी जो है अल्पप्राण है, ठीक है। लेकिन जब हम स्र का उच्चारण करते हैं, स्र जब हम स्र बोलते हैं तो ढेर सारी सांस लेके वो एक जैसे कोई फेंक देता है ना, ऐसे निकलती है सांस ढेर सारी, ठीक है। तो स्र जो है वो क्या है, अब स्र देख लीजिए किससे किससे बना हुआ है, किन किन वर्णों से, सॉरी ये बड़ा वाला जो है ये आधा सा होता है इसका, ठीक है, ये वाला जो है ये टंगा हुआ है ये यही है आधा। उसके बाद ये जो और सारी चीज़ें मैं बाद में पढ़ाऊंगी, उसके बाद इसमें रय छुपा हुआ है, रय छुपा हुआ है आधा, फिर प्लस में अय है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स है ऊष्म व्यंजन है, और मैंने बताया है कि ऊष्म व्यंजन जो है ये महाप्राण होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में सांस ज़्यादा बाहर निकलती है, तो ये क्या है, ये क्या है, महाप्राण है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो मैं इसको लिख भी देती हूँ, ये क्ष जो है ये महाप्राण है, और जो स्र है ये भी महाप्राण है, ठीक है। तो पूरी की पूरी वर्णमाला मैंने आज, मेरा टॉपिक था अल्प प्राण और महाप्राण, यानी वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के वर्ण हैं, तो वो है दो, कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जो सांस है वो कम निकलती है, वायु कम निकलती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है ढेर सारी बाहर आती है, यानी कि प्राण जो हमारी होती है, वायु जो होती है वो ढेर सारी बाहर निकलती है, तो उसे महाप्राण कहा जाता है, जो कि मैंने अलग अलग करके इनको बता दिया है। स्वर जितने हैं सारे के सारे महाप्राण होते हैं, अंग को छोड़कर, अंग को छोड़कर सारे स्वर जो हैं ये 11 के 11, और ये जो विसर्ग है ये भी महाप्राण होते हैं, इनमें सांस ज़्यादा बाहर आती है, ठीक है। और वर्ण स्पर्श व्यंजन में पहले तीसरे और पांचवें जो हैं ये अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन है ये अल्प प्राण होता है, इसमें कम वायु बाहर निकलती है, और जो ऊष्म व्यंजन होता है ये महाप्राण होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारी वायु बाहर निकलती है। इसमें से अगर इसकी बात की जाए संयुक्त व्यंजन की, तो इसमें जो क्षय होता है अक्षय, इस ये महाप्राण होता है, और श्रय महाप्राण होता है, त्र और ज्ञा जो है ये दोनों अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और बस इतना ही पढ़ाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी तो आप पढ़ोगे भी और आपके समझ में भी आएगा, ज़्यादा ढेर सारा और कुछ पढ़ाने लग जाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग इसे एक तो मन लगा कर देखिए, ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, चाहे बीएड वाले बच्चे हों, चाहे बीटीसी वाले बच्चे हों, चाहे अन्य कॉम्पटिशन के बच्चे हों, सबके लिए लाभकारी है ये, ठीक है। जितने वर्णमाला से संबंधित जितने टॉपिक मैं लेके चल रही हूँ, एक एक करके अर्था अर्था कर अलग अलग करके बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फ्री का मिल रहा है, सिर्फ आपको देखना है, एक जो है सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। कैसे, उंगली से, और कुछ नहीं करना है, और देख लेना है, देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा और आपके कहीं काम आ जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया का, सब में जो है चाहे 10 नंबर का ही व्याकरण हो, हिंदी हो, होता ही होता है, ठीक है। तो बस वीडियो देखते रहिए, और जिसको और लोगों को ज़रूरत हो उनको शेयर करते रहिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराइए, आप भी कर लीजिए, ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें और आप भी उठा सकें, ठीक है, ठीक है। तो चलिए कल फिर दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।